हेलो फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पहला ओडिशा, दूसरा दिया हुआ है झारखंड, तीसरा दिया हुआ है राजस्थान और चौथा दिया हुआ है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ओडिशा सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। वीडियो का दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, पहला है जादूगौड़ा, दूसरा है तुम्माला पले और तीसरा है पिछली और चौथा है दलभूम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जादूगौड़ा सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दें तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, जबकि तुम्बला पले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है और पिछली खदान बिहार के गया में स्थित है और दलभूम खदान भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, सिंहभूम जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न, ताबू मठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा सिक्किम। तो आंसर नंबर इसका बी हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके 4 हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो सरस्वती नदी पूरी तरह कर्नाटक में बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गोरोसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। पाँचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन 4 दिए हैं, पहला असम, दूसरा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दिया है नागालैंड और चौथा दिया हुआ है मणिपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए असम सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है। और आपके लिए एक प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 दिए हुए, पहला एम एस स्वामीनाथन, दूसरा दिया वर्जिस कुरियन, तीसरा दिया हुआ है नॉर्मन बोरलॉग और चौथा दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नॉर्मन बोरलॉग सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्जिस कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। सातवां प्रश्न, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पहला सुबह 4 बजे, दूसरा दिया हुआ सुबह 4:30 बजे, तीसरा दिया हुआ है सुबह 4:45 मिनट और चौथा दिया हुआ है 4:50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 4:30 मिनट पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है, इसलिए लंदन में उसे दर्शक 4:30 बजे देखेगा। आठवां प्रश्न, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 से कार्य प्रारंभ हुआ था, यह वर्ष 2019 में खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट का विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। नौवां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, NH44, दूसरा NH1, तीसरा NH2 और चौथा NH10। तो इसका ऑप्शन नंबर सी NH44 NH44 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। वीडियो का लास्ट और दसवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन आपका तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सही हो जाएगा। तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।